समय हम खड़े हैं कांधला, और यहाँ कम से कम लगभग 40,000 मतदाता हैं, और इस चुनाव में बहुत बड़ा फैसला इनके हाथ में है। पलायन का मुद्दा कोई नहीं है, 13 नजर करीब मेरे अंदाज से 2000 आदमी रोज पानीपत कंडाल कमाने के नाम का जाता है। कुछ लोग 13 नजर जाके वहाँ बस गए, क्या वो प्लान हो गया? थोड़ा गुंडा राज था, प्रशासन का काम था, प्रशासन देखता है तो एक नेता मतलब नेता ने इस तरीके भ्रम फैला दिया, कांधला केरानों को बदनाम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, प्लान का मुद्दा कुछ नहीं है। 86-60% जनता विधायक को जानती भी नहीं कौन है विधायक। अभी तो कभी आ गए, पहले तो कभी आए नहीं, आना कोई ऐसा मुद्दा था मेरा मंत्री का आने का? उनने तो आगे भी नहीं देखा कौन जी रहा, कौन मर रहा, कौन क्या कर रहा, उन्होंने सूरत भी नहीं देखी भाई, कुछ भी नहीं करा। फोटो उसमें देखे, उसमें अखबार में फोटो तो देखे बस, और न्यूज को तो देखा भी नहीं जी। हाँ तो आप लोगों के बीच में नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया जी। वो तो देखो जी, यहाँ पर ये सड़क है ना, तो देख लीजिए कितना बड़े विकास हो रहा, कितने गड्ढे हो रहे, नीचे साइड को जा रही पल्ली साइड को गाड़ी है, तो रास्ता अपना भी बता रहा, और सड़कों पर जो गोरु छोड़ दिए वे लोगों को मारते हैं। तो ये तो जब विकास विकास कर रही भाजपा सरकार है, जहाँ जा रही वही भाजपा जाए। वो तो बिछरा दिखाई भी नहीं दिया आज तक भी भाई, 5 साल हो गए अभी दिखाई नहीं, कहाँ आया वो पोस्टर पर देखा था, उसका फोटो ऐसा बारीक सा है बिल्कुल बस पतला सा, उससे बाद में दिखाई नहीं था आज तक। कांधला का जी देखो 5 साल से है, अब तक तो कुछ हमने देखे भी नहीं, आए भी नहीं यहाँ से। कि आप देखो जब इतने बड़े बड़े नेता हमारे आने लग रहे, पहले कहाँ थे ये नेता? प्लान है सब, प्लान तो बेकार की बात है यार, तो सिर्फ एक भाई अपना काम करने के लिए हम गाँव से यहाँ आ रहे, कुछ धंधा करे तो प्लान थोड़ा ही है ये लोग बाग कराने से पानीपत जाकर अपना काम करने के लिए प्लान है, ये प्लान कुछ नहीं है जी। भाई हम तो लोकदल को वोट देख रहे हैं, सही देवे अरिब का रुझान भी लोकदल का ही है। पिछले साल गन्ने का पेमेंट क्या था वो कर रहे थे, गन्ने का भाव घटा दिया, 50 पैसे घटा दिया, क्या कर रहे नो कह रहे हम ये भाव बढ़ा रहे। मुस्लिम वोट तो मेरे हिसाब से 99% सब लोकदल के गठबंधन को जाके, बाकी ये सब चौधरी भाई हैं, मैं इनके साथ जाता हूँ, रहता हूँ, उनके गांव में रहता हूँ रात दिन, हमारी 5वीं पीढ़ी इन गांव में काम कर रही है। ये हिंदू भाई तो बैठे मेरे पास, ये नाले का है, ये बारसी का है, वो डांग रोड का है, वो खड़ा है देख लो आगे, ये तो सब झूठी, तो ये सब पपला है जी, तुम्हारे सामने तो मौजूदा है, कोई कोई जो सामने सच हो तो सच है, तो झूठ बोल रहे हैं लोग, बोला हिंदू मुस्लिम आज ही पूरा एक का है, पूरी शादियों में दुख सुख में ना जाना है, ये हमारी दावत करते हैं, मतलब जैसे बेटियों की शादी हो है, बेटों की भी शादी हो है, हम भी करें ये भी करें, तो सब बकवास है, लोगों को कुछ नहीं है। इतना बड़ा मतलब गृह मंत्री वोट मांगना रहा, गृह मंत्री लाख वोट मांगना रहे एक विधायक के लिए, निर्वाल की सूरत हमें भी नहीं पता निर्वाल है कौन। अगर आता भी हो किसी हिंदू का आता होगा मुसलमान, मैं कसम खा के सकूं अगर किसी मुसलमान घर आज निर्वाल आया हो, है ही नहीं कुछ भी। अजी हम तो ये कहे गृह मंत्री हमारे काम में इलेक्शन लड़के देख लो, जो मेंबर भी हो गए तो हम मुंडे गड़े पानी भर देंगे, ये तो हमारे में इन भाइयों में लड़ाका उसमें इस सरकार ने या प्रधानमंत्री तक बैठगी, हमारी लोकदल की राजनीति खत्म कर दी लोगों ने पहले से, यहाँ सब भाई एक जगह साथ रहा करते, अब जो इन्होंने ऐसा काम जोड़ दिया 2013 से अक्सर के मन फाड़ देते, अब सारे भाई एक जगह आ गए हम, हाँ इस बार तो ऐसा जवाब देते कि अंतर वालों का सब सफा हो जाएगा, एक भी वोट भाजपा को जिताने वाली दे नहीं। गम गेल देख लो क्या क्या हो रहा निकेल, इनके कारण में जैसे है ऐसा ही काम हो रहा निकेल। इस सरकार में पहली सरकार देखी किसानों का, इन्होंने 5 साल तक गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा, कोई रेट नहीं बढ़ा, 25 रुपए आखिर में दिए, पहली सरकार है। हाँ अभी 10 साल के पहली सरकार ने जो है 25 रुपए बढ़ाए जाके, और पेमेंट का वादा था इनका, सुप्रीम कोर्ट छोटा केस हो जाओ हमें सजा दे दे, सुप्रीम कोर्ट की मिलने वालों ने एक नहीं माननी, 14 दिन का पेमेंट कहा था इनको, जो एक भी माननी हो सुप्रीम कोर्ट की। तो भाई साहब मैं तो ये कहूँ सरकार झूठी है, अपना गठबंधन की सरकार बना रहे और एक तरफा होगी पूरी। अच्छा। भाई नड़का को बचा देंगे हम तो, अच्छा नड़का को वोट देंगे सब, युवा के मन में तो लोक बलि है जी, अच्छा गठबंधन को ही जिताना है इस बार, विकास मुद्दों पे वोटिंग होगा जी। हमारे यहाँ जो चुनाव है ये विकास का चुनाव है, और जो है प्रसन्न चौधरी जी बहुत अच्छे नेता है, जवान भी है, ईमानदार भी है, प्रसन्न चौधरी बहुत अच्छे लोग पसंद कर रहे हैं इसको, हिंदू मुस्लिम सब भाई इसको पसंद कर रहे हैं, और क्या रहेगा भाई प्रसन्न चौधरी जी को ही यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे और हमारे हमारे क्षेत्र में विकास होगा। मैं तो भाई सभी आदरणीय कांधला वासियों को और अपने नौजवान भाइयों को यह कहना चाहता हूँ
कि जो भी अपने मजदूर भाई बाहर जा रहे हैं ना काम करने के लिए, जितने भी कांधला वाले हैं अपनी छुट्टी ले लेके एक दिन की छुट्टी कर लो अपने देश के लिए, और अपनी 100% वोटिंग दे दो कांधले में ही।